वेलकम यू योर फैमिली योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स ऑन आवर गार्डनिंग चैनल अयोध्या गार्डनिंग। दोस्तों आज हम लोग नीम के बारे में पढ़ेंगे कि नीम का हमारे गार्डनिंग में कैसे यूज किया जा सकता है, किन सावधानियों के साथ किया जा सकता है, अगर करते हैं तो क्या उससे नुकसान भी हो सकते हैं, ये भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों जब हम गमले के लिए मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें डालते हैं, जैसा कि वीडियोस में शेयर किया जा चुका है, उसमें हम लोग नीम खली भी डालते हैं। अगर हम लोग के पास दोस्तों नीम खली नहीं है तो उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर हम नीम की सूखी पत्तियां कुछ जरूर डाल सकते हैं और डालना भी चाहिए। ठीक है, ये सूखी पत्तियां हमने नीम की रखी है, ये ऐसी पत्तियां जब हम गमले की मिट्टी तैयार करने लगे तो उसमें एक मुट्ठी दो मुट्ठी हम डाल सकते हैं दोस्तों, गमले के साइज के हिसाब से। ठीक है, ये हमारा वहां पर पेस्टिसाइड का रोल करेगा। एक जो सावधानी की बात है दोस्तों, जो बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, कि अगर हम इस चीज को एज ए फर्टिलाइजर यूज करें तो क्या होगा। अभी तो मैंने पेस्टिसाइड के तौर पर वहां पर डाल दिया, जब बात फर्टिलाइजर के तौर पर यूज करने की होती है तो इसका मतलब है कि हम एक रेगुलर इंटरवल पर इसको हम देते रहे। ठीक है दोस्तों, वहां पर थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, वो इसलिए कि इसका जो नीम की पत्ती है, नीम का है, इसका जो पीएच होता है वो लगभग 8+ होता है, यानी एल्कलाइन इन नेचर होता है। और संयोग से हमारे पास जो पौधे होते हैं वो बहुत सारे पौधे कह सकते हैं 95% या एबव के पौधे वो सब एसिडिक सॉयल पसंद करते हैं। अगर हम इसको डिकम्पोज करके कंपोस्ट बनाए, खाद बनाए और रेगुलर अपने पौधों में दें तो नुकसान हो सकता है, पीएच वैरी कर जाएगा, पीएच डिस्टर्ब तो बहुत कुछ डिस्टर्ब, उस पर हम आपको एक सीधा सा वीडियो आपको देने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो पीएच की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए, पीएच फैक्टर को कंसीडर करते हुए इसको एज ए पेस्टिसाइड तो हमें यूज करना चाहिए, लेकिन एसिडिक सॉयल वाले पौधों के लिए जो कि बहुत ज्यादा वही होते हैं, हमें इसको एज ए फर्टिलाइजर नहीं यूज करना चाहिए, नहीं तो मिट्टी का पीएच बदल जाएगा। हाँ, फर्टिलाइजर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमको एल्कलाइन लवीन प्लांट्स के साथ करना पड़े तो, जैसे लिली वगैरह के पौधे, ठीक है, उनमें किया जा सकता है। ये तो रही इंपॉर्टेंट की बात दोस्तों, सुनने दो। अब क्या है कि पेस्टिसाइड के तौर पर इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं दोस्तों। एक बार तो हमने गमले की मिट्टी बनाते समय उसमें डाल दिया, अब मुद्दा है कि क्या हम कितने दिनों के बाद उसमें ऐसा करें। दोस्तों मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि गमले में जब गमला बनाते समय उसमें तो नीम की पत्ती को डाल देना चाहिए। ठीक है, वो धीरे धीरे डिकम्पोज भी होगा, उसके पहले वो महीना डेढ़ महीना दो महीना जब तक डिकम्पोजिशन ठीक से नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा, वो क्या करेगा, वो पेस्ट को जन्म आने से रोकेगा। ठीक है, अब इसके इलाज के तौर पर कि हम क्या करें अगर इसको हम नहीं डाल सकते हैं रेगुलर, और हम नीम खली भी नहीं डालना चाहते हैं, नीम खली भी मेरे पास नहीं है, तो दोस्तों ये देखिए मैंने नीम का पानी की पत्तियां उबाली हुई हैं। ठीक है, ये उबाली हुई हैं, इसका सबसे अच्छा यूज है, ये देखिए हमने इसको छान के गिलास में भी रखा हुआ है, ये हमने छान के गिलास में रखा हुआ है, बस शर्त ये है इसको हम भरपूर ठंडा कर लें, भरपूर ठंडा कर लें, और ज्यादा नहीं, महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते 5 हफ्ते के अंतर पर अगर हम एक गिलास नीम का पानी लिए हैं, इसका तो कंसंट्रेशन थोड़ा सा हाई है क्योंकि पत्तियां ज्यादा है, पानी कम है, बर्तन छोटा था मेरा, हम इसमें डबल पानी मिला लें और उसके बाद आधा पौन गिलास से गिलास पानी पौधे की साइज के हिसाब से, गमले की साइज के हिसाब से अगर हम 4 हफ्ते 5 हफ्ते पे डालते रहेंगे तो हमें जो पेस्टिसाइड इम्पैक्ट लेना है, इसका जो पेस्टिसाइड फायदा लेना है वो मिलता रहेगा, और क्योंकि कंसंट्रेशन हम इसका लो कर दे रहे हैं तो ये हमारी एल्कलाइन सॉइल को एल्कलाइन भी नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो मैंने सोचा ये जानकारी आपसे शेयर किया जाए। नीम तो एक प्राकृतिक मेडिकल स्टोर है, नीम तो इतने गुण है कि शायद हम मनुष्य में उतने गुण नहीं हो सकते हैं, इतना गुण है नीम का, एक गुण जरूर हम लोगों को मिला हुआ है, कड़वा बोलना, ठीक है, कड़वा साथ इसका होता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी और फायदा उठाएंगे अपने गार्डनिंग में। थैंक यू दोस्तों।